दोस्तों आगे वीडियो में आप गोदी मीडिया के अंधभक्त एंकर रूबिका लियाकत की शानदार धुलाई देखने वाले हैं। एमएसपी की मांग लेकर किसान संगठन सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में कमियां निकालने के लिए गोदी एंकर रूबिका लियाकत ने एक डिबेट बुलाकर किसान नेता को लपेटने की भरपूर कोशिश की, लेकिन राकेश टिकैत ने मैडम को अनपढ़ कहते हुए बेचारी गोदी की भयंकर धुलाई करना शुरू कर दी। राकेश टिकैत ने पूरी गोदी मीडिया को लपेटते हुए मैडम रूबिका से भी पूछ लिया कि आप कौन से कॉलेज से पढ़ के आई है। दोस्तों आगे डिबेट में मजा बहुत आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैडम रूबिका गोदी मीडिया का फेवरेट टॉपिक राम मंदिर को बीच में लेकर आने वाली है। इसके बाद राकेश टिकैत का जवाब आपको सुनना चाहिए। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। राकेश जी, ये बात तो हर कोई मानेगा, मैं अदब से इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि अगर किसी तरह का कोई अन्याय किसानों के साथ हुआ है तो फिर उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए और उस अन्याय को दूर किया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, लेकिन अब सवाल ये है कि जो आपकी मांगे हैं क्या वो जायज मांगे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब जिस देश का बजट ही 45 लाख करोड़ के आसपास, आपकी मांगें पूरी करने में दम नहीं खुल जाएगा? अगर ये सवाल आपके होते, ये सवाल अगर चैनल वालों के होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो सवाल में एक आध शब्दों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़ पाए? उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं बता देती हूँ उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है, वो यूनिवर्सिटी मैं बता देती हूँ, वो है भारतीय यूनिवर्सिटी। आप सुनिए ना, जैसे जय जवान जय किसान आपको हर एंकर के मुंह पे नजर आएगा राकेश जी, वैसे ही वैसे वैसे जय हिंद जो है वो भी सबके चेहरे पर और सबके मुख पर नजर आएगा। अब मुझे भाई आपका मेरा घर है ना ये राकेश जी, सुनिए, हिंदुस्तान आपका भी घर है, मेरा भी घर है राकेश जी, है कि नहीं? आप पहले ये बताइए ना, अब घर में अगर एक शख्स कह रहा है मैं आंदोलन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, घर की कमाई है, घर की जो कमाई है उसका खर्चा है 100 रुपया, सुनिए ना, अब 100 रुपए में आप कह रहे हैं मेरी मांगे पूरी करो और वो 100 रुपए पूरे नहीं पड़े हैं, तो बाकी लोग भी तो पूछेंगे ना आपसे कि आपकी ये मांगे जायज है कि नहीं है। हम बता तो रहे हैं, आप सुन तो लो। हाँ, गणित आप पाता नहीं, नकल करके पास हो जाएगा सारे चैनल वाले। गणित कैसे नहीं आता? 18 लाख करोड़। राकेश जी ऐसे मत कीजिए ना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रही हूँ, आप मुझे 1+1 2 समझा दीजिए। हाँ समझा तो रहा, जब सुनोगे तभी तो समझाऊँ। हाँ मैं सारे को सुबह से यही तो समझा रहा, आप पढ़े पढ़ाए और वही बात बोलो सारे। अब सुनो बात, हमने कहा है एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, ठीक, उसमें सरकार को जो खरीद करनी है जितनी वो सरकार खरीद कर ले, उसमें हमने ये नहीं कहा कि सरकार पूरी उसकी खरीद करे, जो व्यापारी खरीद करेगा व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा, ये देश में एमएसपी गारंटी कानून आप बना दे। यही जब एसकेएम की मीटिंग होती थी, जब भारत सरकार से 3 साल पहले बातचीत होती थी, यही सवाल उस टाइम पे भी कहा था, कानून जब बन जाएगा जिस व्यापारी को अनाज खरीदना वो खरीद ले, उसका अगर नुकसान है उसका व्यापार बंद कर। ऐसा बोलते हैं कि ये जो किसानी और ये जो अलग अलग अनाज, देखिए मैं तो किसान हूँ नहीं राकेश जी, आप अच्छे से जानते हैं, मैं तो एंकर हूँ, लेकिन जितना वो जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं ना, उस यूनिवर्सिटी में एक और चीज जो आम जनता आपसे पूछना चाहती है और उसकी पढ़ाई हम करके आए, वो ये है कि आप बात कर रहे हैं धान की, आप बात कर रहे हैं गेहूं की, आप बात कर रहे हैं तिलहन की, दलहन की, बाकी दूसरी चीजों का क्या? दूध उत्पादन नहीं होता है क्या? वो किसानी नहीं है? अंडा जो मछली जो बेची जाती है वो किसानी में नहीं आता है क्या? तो और आप ये 22 और 23 जो क्रॉप्स के एमएसपी को मांग रहे हैं वो कितना प्रतिशत है? बमुश्किल 23% है, तो बाकी बचा कहाँ गया? बाकी किसान क्या करेंगे? हमने ये कहा है कि पहले जितना है उसको कर दो, जिस पे एमएसपी है, जितने भारत सरकार पे एमएसपी तय किया है पहले उसको कर दो, दूसरी चीजों पे भी होनी चाहिए और भी एमएसपी पे जोड़ी जानी चाहिए, लेकिन सरकार बैठ कर बातचीत तो करे। ये सरकार क्या है? ये तो वो वाली बात है। अगर ये सरकार बीजेपी की होती, ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो ये जरूर बातचीत करती हमसे, ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की ही नहीं। अच्छा, ये सरकार देश में पूंजीपतियों की एक सरकार है, उनका एक गिरोह है, गैंग है पूंजीपतियों का, जो पूंजीवाद है उसने कब्जा कर लिया देश पे, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। क्या ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि मोदी का ग्राफ राम मंदिर की वजह से बढ़ गया है और उसे नीचे लेकर आना है? आखिरी सवाल, राम तो हमारे पूर्वज थे, हम रघुवंशी हैं, राम भी हमारे उसके थे, राम का कहां सवाल आ गया?
ये राम को ये आप बहस इस पर करो कि राम ये राम को नहीं मानते, आप देख कुछ और किसी को नहीं मानते, हम इस सवाल पर जाते ही नहीं। हमारा इशू है गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, उनका इशू है। प्यारी समझ गई।